करता करे ना कर सके शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में महाकाल से बड़ा ना कोई, क्योंकि महाकाल की महिमा अपरंपार है और उनके द्वार जिस तरीके से अब बदल रहे हैं उसकी एक एक तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। महाकाल लोक का स्वरूप पहले से कैसे भव्य हो गया है, सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मेरी सहयोगी प्रतिमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रतिमा, समय कम पड़ जाए लेकिन इसकी खासियत खत्म नहीं होने वाली है, सीधी तस्वीरें तो दिखाएं, साथ ही ये भी बताएं कि आप कार्यक्रम को लेकर अंतिम रूप किस तरीके से दिया गया है और किस वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे। बिल्कुल सुरभि, मैं आपको बता दूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप बताते रह जाएंगे लेकिन इसका बखान करना जो है वो कम नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर शिप्रा नदी के तट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये रामघाट का ये इलाका है, मंदिर का पिछला छोर है जहाँ पर इस वक्त मौजूद है, क्योंकि सुरक्षा इतनी ज़्यादा कड़ी कर दी गई है कि कहीं से भी मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए SPG पहले से यहाँ पहुँच चुके। और ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। SPG ने जब टेक ओवर कर लिया तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके के हालात होते हैं। वहाँ जो पीछे आप टेंट देख रही हैं बड़ा सा, ये एक्चुअली यहाँ का जो सभागार है वो है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। 65,000 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर किए गए ताकि वो बैठ सके और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को सुन सके, और साथ ही उद्घाटन के बाद यहाँ पर आतिशबाजी का भी इंतजाम किया गया। देखिए, सड़क के एकदम बीचों बीच आप देखेंगे यहाँ किनारे पर आतिशबाजी का पूरा इंतजाम कर दिया गया है, और ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे इस महाकाल कॉरिडोर का, उसके बाद यहाँ पर ऐसा माहौल होगा मानो दिवाली मनाई जा रही है उज्जैन में। मंदिरों की नगरी उज्जैन जो है वो जगमगा उठेगी, और लंबे समय से उज्जैन वासियों को इस कॉरिडोर का इंतजार था, जिसके बाद से अब जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए दर्शन करना बेहद आसान हो जाएगा। वो किसी भी मौसम में आए, बारिश हो तूफान हो, उनके लिए अब दर्शन करना महाकाल के बेहद आसान हो जाएगा। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सभागार की ओर जाते हुए आपको कुछ लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाकायदा पास बनाए गए हैं कि किस एंट्री गेट से किन लोगों की यहाँ पर एंट्री होगी। कुल मिलाकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब इंतजार हो रहा है शाम 6 बजे का, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम तय है, 6 बजे उन्हें यहां आना है, उद्घाटन होगा। उद्घाटन के बाद यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो तैयार किए गए हैं तमाम कलाकारों द्वारा वो होंगे। कैलाश खेर जिन्होंने महाकाल का स्तुति गान तैयार किया है, एंथम तैयार किया है, उसकी भी प्रस्तुति यहां पर होनी है, और उसके बाद एक जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करने वाले हैं। सुरभि, सबसे बड़ी बात यह है प्रतिमा, अपनी शिव भक्ति को लेकर प्रधानमंत्री कई बार देश के सामने आए हैं, आज महाकाल में उनकी मौजूदगी और यहाँ पर जिस तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है, क्या प्रधानमंत्री आज कोई विशेष पूजा अर्चना या आरती भी करेंगे शाम के वक्त? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो गर्भगृह का इलाका है वहाँ पर शाम 5 बजे के बाद जलाभिषेक नहीं हो सकता। ऐसे में जो मंदिर के पुजारी हैं महेश पुजारी, उनसे TV9 भारतवर्ष ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है सुरभि, जिसमें उनका कहना है कि वो जलाभिषेक तो नहीं कर पाएंगे लेकिन वो कार्यक्रम में ज़रूर शामिल होने वाले हैं, दर्शन भी उनकी ओर से हो जाएंगे। लेकिन गर्भगृह में विशेष तौर पर जब आप जाते हैं तो जलाभिषेक होता है, शाम 5 बजे के बाद वो वर्जित होता है। शाम 5 बजे के बाद दरअसल आरती की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, जिसके लिए साजो सज्जा महाकाल की जाती है, तो ऐसे में जलाभिषेक वो नहीं कर पाएंगे लेकिन बाकी जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक दर्शन यहां पर वो करने वाले हैं, जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं और तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उन्हें भी वो देखने वाले हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।